व्लादिमीर पुतिन अपनी शक्ति, मिसाइल शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सबसे ताकतवर बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अमेरिका से ताकतवर रहना है। अमेरिका और रूस के बीच ताकत की जंग बहुत पुरानी है, लेकिन अब इस जंग के रेडियस में पूरी दुनिया आ गई है। अब समझिए कि पुतिन पूरी दुनिया को रेंज में लेने वाली और सबसे तेज मिसाइलें बनाने पर क्यों मजबूर हुए हैं। देखिए अमेरिका के वो कौन कौन से विश्व विनाशक हथियार हैं जिनका मुकाबला करने के लिए पुतिन को सबसे डेंजरस मिसाइलें बनाने का ऑर्डर देना पड़ रहा है। पुतिन एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती का ऑर्डर दे रहे हैं। रूस में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रफ्तार से दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मास प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो बाइडेन पुतिन से ये काम करवा रहे हैं। अमेरिका सीक्रेट तरीके से एक खास मिशन पर काम कर रहा है, ऐसा मिशन जिसमें कुछ मिनटों के अंदर रूस के किसी भी कोने को तबाह करने की ताकत हासिल करनी है और धरती के किसी भी कोने को एक घंटे के अंदर बर्बाद करने वाला बारूद इकट्ठा करना है। अमेरिका के पास वो ताकत है कि अगर दोपहर के 12 बजे व्हाइट हाउस के अंदर बैठे मिस्टर प्रेसिडेंट बीजिंग की तबाही तय कर दें, तो 12:28 पर बीजिंग तबाह हो जाएगा। अमेरिका के पास वो शक्ति है कि अगर दोपहर 12 बजे ईरान का समूल नाश करने की फाइल पर दस्तखत हो गए तो 12:30 तक ईरान नहीं बचेगा। अमेरिका के पास वो ताकत है कि अगर दोपहर 12 बजे जो बाइडेन मॉस्को में एटम बम दागने का मन बना ले तो 12:35 तक मॉस्को में रेडियो एक्टिव तबाही फैल चुकी होगी। अमेरिका वो ताकत हासिल कर चुका है कि अगर दोपहर 12 बजे पेंटागन से नॉर्थ कोरिया में एटमी ब्लास्ट के ऑर्डर्स पर फाइनल मुहर लग गई तो 12:36 तक नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिका को दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह करने के लिए हथियार अमेरिका की जमीन से नहीं दागने, क्योंकि दुनिया के हर समंदर में और दुनिया के हर महाद्वीप में अमेरिकी बेस मौजूद है। दुनिया का ऐसा कोई बड़ा हिस्सा नहीं जहां कुछ ही मिनटों में अमेरिकी फाइटर जेट्स या मिसाइल न पहुंच सके। अमेरिका ऐसे एक नहीं बल्कि कई हथियार बना चुका है जिनसे सिर्फ एक घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से का वजूद मिट सकता है।
ऐसे हथियार जो एक बार लॉन्च हो गए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई डिफेंस सिस्टम या कोई वॉर स्ट्रेटजी उस तबाही को नहीं रोक पाएगी। ताकत के इंटरकॉन्टिनेंटल खेल का असली खिलाड़ी तो अमेरिका ही है। रूस तो सिर्फ अमेरिका के इन हथियारों का जवाब तैयार कर रहा है। नौ दिसंबर 2022, टेस्टिंग रेंज कैलिफोर्निया। पिछले महीने अमेरिकी एयरफोर्स ने चीन और रूस के बढ़ते खतरे के बीच पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने टेस्ट के दौरान आवाज की 5 गुना से ज्यादा रफ्तार से अपने टारगेट पर अटैक किया। इस मिसाइल को अमेरिका के B-52 बॉम्बर से दागा गया था। अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का कोड नेम रखा AGM-183A, यानी दुनिया की नजर में आई अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। इस मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे एक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम बताया। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी USAF ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि अमेरिका ने अपने पहले प्रोटोटाइप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। अमेरिका अपने हथियारों को दिखाने में नहीं बल्कि छुपाने में यकीन रखता है। वो दुनिया को हिरोशिमा जैसा एटम बम दिखाकर सरप्राइज देना चाहता है, यानी हमेशा शॉक में रखना चाहता है। और यही वजह है कि पेंटागन और अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं जानता कि अमेरिका के हथियार डिपो में कितने हथियार है और वो कहाँ रखे गए हैं। लेकिन 9 दिसंबर को अमेरिका ने खुद अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। अमेरिकी एयरफोर्स ने दावा किया AGM-183A एक बूस्ट ग्लाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब है कि बूस्टर रॉकेट के जरिए बारूद के गोले को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका काफी वक्त से इस मिसाइल को टेस्ट कर रहा था। कई बार नाकामी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठने लगे थे। हालांकि अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम का सफल परीक्षण हो गया है। अमेरिका स्पीड से खेलना चाहता है। इतनी तेज मिसाइल जिसका कोई तोड़ दुनिया के पास ना हो, और पुतिन चाहते हैं कि वो इस खेल में अमेरिका से एक कदम आगे रहे। अब आपको बताते हैं कि पुतिन सरमत और जिरकॉन जैसी मिसाइलों के मास प्रोडक्शन के लिए मजबूर क्यों हो गए। दरअसल अमेरिका के पास ऐसी एक नहीं बल्कि कई खतरनाक मिसाइल हैं जिनकी रेंज में पूरा रूस आता है। सबसे खतरनाक है अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल। मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका वजन 36,030 किलो है। मिनटमैन मिसाइल एक साथ एटम बम दाग सकती है। मिनटमैन 3 मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अगस्त 2022 में अमेरिका ने 2 बार मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये अमेरिका का नया हथियार नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है। अमेरिका ने दुनिया भर के मिलिट्री बेस पर मिनटमैन वेपन सिस्टम को तैनात किया है। अमेरिका के पास दुनिया भर में मिनटमैन 3 की कम से कम 530 यूनिट एक्टिव हैं।
दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए मिनटमैन मिसाइल को जमीन के अंदर बने हार्ड साइलो में रखा जाता है, यानी अमेरिका की मिनटमैन मिसाइलें जमीन के अंदर रखी जाती हैं। ये साइलो केबल के जरिए जमीन के अंदर बने लॉन्च कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होते हैं। इस कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे कम से कम 2 अधिकारी तैनात होते हैं। इनको लॉन्चिंग का आदेश सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास मौजूद न्यूक्लियर लॉन्च कोड के जरिए दिया जाता है, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए सीधे संपर्क में रहता है। अमेरिका और रूस तेजी से दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह करने की ताकत हासिल करने में तेजी से जुटे हैं। दोनों एक दूसरे से एक कदम आगे रहना चाहते हैं। सिरकॉन और सरमत जैसी मिसाइलों की ताकत दिखाकर रूस इस रेस में एक कदम आगे दिख रहा है, लेकिन अपने प्लान को सीक्रेट रखने वाले अमेरिका ने हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज हथियारों को ट्रैक करने के लिए 28 सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।